एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट फाइंड करना विथ सुटेबल अरेंजमेंट्स। अगर आप देखिएगा कि ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग एक के बाद एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है और इट्स टाइम टेकिंग, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सो वी विल लर्न हाउ टू डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। सो देखिए, हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 10 बनाने का। आप देखिए, 4 8 अगर 528 को मल्टीप्लाई करते हैं वंस प्लेस 4 8 32 टू आता है और 25 4 100 आता है, तो इसको अरेंज करते हैं 4 × 25 × 528। सी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अरेंज किया नंबर को। अब आप देखिएगा कि अगर इन दोनों का पेयर बना के मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ आता है 100 × 528 इज इक्वल टू 528 × 5 2 8 एंड देन यू एड 2 0s। सो देखिए इस तरह से कितना ईजी हो जाता है। इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो हम लोग एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन हम लोग अगर 4 × 528 करते हैं, फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो वी विल ट्राई टू अरेंज। सी, द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द प्रोडक्ट और डिटरमाइन द प्रोडक्ट विथ सुटेबल अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट करना है, बस अरेंज कर देना है और हमेशा कोशिश करना है कि मल्टीपल्स ऑफ 10 हो, लाइक 10, 100, 1000, 10,000, तो ईजी हो जाता है। सो 25 4 100। सो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 25 को एक साथ ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 528। वी नो दैट ए सिंपल प्रॉपर्टी है, 3 × 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 15 एंड 5 × 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 15। देखिए, अरेंजमेंट चेंज करते हैं अगर तो प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ये है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग इसको फिर से मल्टीप्लाई किए। सो आफ्टर अरेंजिंग, सो 4 × 25 दैट गिव्स अस 100 मल्टीप्लाइड बाय 528। 528 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5 2 8 00। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, ट्राई करते हैं नेक्स्ट नंबर को। वी हैव हियर 125 × 40 × 8 × 25। सो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि कौन सा नंबर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 10 ला सकते हैं। 125 × 8 अरेंज करते हैं, 125 × 8 मल्टीप्लाइड बाय 40 × 25। अब देखिए पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। कैसे, 125 8 ये आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25 4 100 और एक ज़ीरो। अब देखिए इतना इजी हो गया, कुछ नहीं करना, 1 × 1 एंड देन 3 हियर 6 0s, 1 2 3 4 5 6 0s, ये हो गया आंसर। सो ये हम लोग का टाइम सेव करता है और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज़ करने से क्या होता है, वी कैन कैलकुलेट फास्टर। एक बार फिर से देख लेंगे, 125 × 40 × 8 × 25। सो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मैंने पहले ही फाइंड कर लिया 125 × 8, 8 5 40 कैरिड 4 8 2 16 एंड 4 20 कैरिड 2 8 1 8 एंड 2 10। सो मुझे मिल गया मल्टीपल्स ऑफ 10। फिर यहाँ पे भी मैंने पेयर बना के देखा, 25 4 100 और एक ज़ीरो, यहाँ पर भी मुझे मल्टीपल्स ऑफ 10 मिल गया। सो इस तरह से ईजी हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग देखेंगे नंबर सी, थर्ड नंबर। इसमें देखिए 54279 मल्टीप्लाइड बाई 92 प्लस 54279 मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ पर एक कॉमन फीचर देखने को मिलता है, कॉमन नंबर 52479, यहाँ पे भी है, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। सो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे इन बिटवीन प्लस या माइनस साइन रहता है तो हम लोग जो कॉमन है, जो दोनों साइड है, उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। सो 54279 ओपन ब्रैकेट, ये 92 को यहाँ कॉपी करेंगे, ये प्लस साइन यहाँ आएगा और यहाँ से ये निकाल चुके हैं बाहर, सो ये 8 आएगा।
अब देखिए ये इतना इजी हो जाएगा, 54279 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो अगेन इट्स कमिंग टू 542700। एक बार फिर से समझ लेंगे इसको हम लोग। जब दो नंबर या तीन नंबर एक जैसा है, सेम नंबर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट नंबर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेम नंबर है, जो कॉमन है, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, उसको पहले बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट, और नेक्स्ट वाले नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे अगर प्लस या माइनस जो भी साइन है हम लोग आएंगे, नेगेटिव नंबर वहाँ पे है, सो प्लस या माइनस साइन जो भी उसको लगाएंगे और सेकेंड वाले नंबर को कॉपी कर लेंगे। अभी देखिए ये सेम नंबर ब्रैकेट है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 92 प्लस 8 इज इक्वल टू 100, अगेन फिर से इजी हो गया, 54279 और आप 20 लगा दीजिए, सो इस तरह से आसान हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ पे भी देखिए एक कॉमन नंबर है, दैट इज 6067, और बाकी दो नंबर डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल साइन, ये 6067 जो सेम नंबर है, कॉमन नंबर, उसको बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट 262 माइनस 162। देखिए ऑटोमेटिकली 6067, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा मल्टीपल्स ऑफ 100, 262 माइनस 162 इक्वल्स टू 100, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6067 एंड 20, ये हो गया आंसर। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, कॉमन नंबर है 6067 विच इज ऑन बोथ द साइड्स सेपरेटेड बाय माइनस साइन, सो 6067 जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये नंबर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है माइनस दिया, अगर यहाँ प्लस रहता तो हम प्लस साइन देते और 162 को कॉपी किए, 6067 262 माइनस 162 100, 6067 एंड 20s। ये कॉमन हम तभी लेंगे जब इन बिटवीन देखेंगे दो साइड नंबर सेम है या और ज़्यादा भी नंबर है, नंबर सेम है और दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, तभी ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, ऐसा करते हैं, आप लोगों को सम समझ में आया होगा, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, ओके, एंड किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।